हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अभी नेक्स्ट डे हो गई है, अभी मैं नीचे जा रही हूँ। अब रेहान ऊपर पापा के पास आ रहा है थोड़ी देर, मैं कुछ चाय वाय पी के नीचे आऊंगी। इसका रिजल्ट आया, महात्मा गांधी मॉडल मेकिंग कंपटीशन। तुम जीती या नहीं जीती? मुझे फर्स्ट प्राइज। आई एम सो हैप्पी। हाय, ग्रेट वाइज था। अगर सबका एक साथ होता तब थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पूरी क्लास में क्योंकि बहुत। चलो कांग्रेचुलेशन। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह से बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज मिल गई है। अपने मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई है, कांग्रेचुलेशंस रिजा। इनको बनाना था गांधी जयंती पे गांधी जी से कुछ भी रिलेटेड एक मॉडल, तो इसने उनका चरखा बनाया था। बहुत ही मेहनत से बहुत अच्छा बनाया था। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, हम लोग 4 बजे रात तक वो बना रहे थे, फिर मैंने उसको एडिट किया था और बहुत ही हम सबकी मेहनत रंग लाई, इसकी मेहनत रंग लाई कि ये जीत गई है। बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इस वीडियो के एंड में वो क्लिप लगाऊंगी, आप देखिएगा। रिजा फर्स्ट आई। तो आज बने हैं यमी से छोले चावल और ये आ गया यहाँ पे खाने के लिए। और बेटी खाला सब कह रहे थे कि आलू की सब्जी बहुत अच्छी दिख रही है, बता देना। हाँ, बता देना, बता देना, जल्दी बन जाती है। हाँ, हाँ, बहुत जल्दी बन जाती है, जिस दिन कहोगे उस दिन बता देंगे। रिजा अभी देखो थोड़ा सा, वैसे आधे लोग तो मैं बोल रहे थे, ज्यादातर मोस्टली बोल रहे हैं कि रिजा की ड्रॉइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने उनको मैंने तुमको पहले बताया था कि मुझे घर पेड़ चाहिए। रेहान ने वो नोटिस नहीं किया, बट बहुत से लोगों को रेहान का भी दूर से देखने में अच्छा लग रहा है। बाद में जब देखा तो वो लग रहा है कि कुछ अलग टाइप का बनाया। तो हमने कहा कंफ्यूजन है, इससे अच्छा हमने ये पोल रख दिया है। सेकंड राउंड ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन का विनर कौन है? रेहान रिजा, आप लोग इसमें वोट देंगे। इसके स्कूल जो है वो ओपन हो रहा है 28 अक्टूबर से। तो आज हम इसकी यूनिफॉर्म लेने के लिए जा रहे हैं, मेजरमेंट दे के आए थे, और आज इसे इसके स्कूल का डांस भी शूट करके देना है, तो इसमें न्यू यूनिफॉर्म पहन के ये करेगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो पोल चलाया था हमने यूट्यूब पे, आप सब में से किसी ने सजेस्ट किया था कि पोल चलाओ, ऐसे में ज्यादा समझ में आएगा। उसमें रिजा काफी ज्यादा मार्जिन से ऊपर चल रही है, तो हम रेहान को बताने जा रहे हैं। चल, पोल चलाया था कि रिजा ज्यादा जीत रही है सेकंड राउंड में। हाँ। या तुम तो उसमें रिजा आगे चल रही है। कोई बात नहीं। लेकिन उसमें लोग कह रहे हैं कि कमेंट्स में काफी लोग कह रहे हैं कि रेहान का ब्यूटीफुल लग रहा है। तो एक राउंड तुम जीतते हो, और क्या गिफ्ट चाहिए वो भी तुम्हें सोच के रखना है, क्योंकि एक राउंड के विनर तो तुम हो। सोचा हुआ है और तुम्हें भी सोचना है, ठीक है? है, लास्ट में फाइनल बता। आज के व्लॉग में हम लोग जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे, साथ साथ जो गिफ्ट हमें देना है इन दोनों को वो भी पता चल जाएगा। इन लोगों ने क्या सोच के रखा है नहीं पता। ए, कुछ ज्यादा मतलब महंगा महंगा मत मांग लेना, ठीक है? चाहिए, हाँ, चुप रहो। और आज मैं भी वो चैलेंज करने जा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि होस्ट को भी करना चाहिए, तो मैं भी करूंगी। और आज के ब्लॉग में अम्मी से कपड़े भी लेने वाली हूँ बहुत सारे, क्योंकि आगे कुछ फंक्शंस हैं जो मुझे अटेंड करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक तो मैं कोई अम्मी का आउटफिट रिक्रिएट करके पहनूं। देखिए फ्रेंड्स, रिजा भारी मात्रा में आगे निकली है। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन आज एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप पीछे बलून देख के तो समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ईबा का बर्थडे है। आपको तो पता ही है मुझे ईबा कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ईबा को 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी खुशी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लीन ब्यूटी बर्थडे बैश ईबा के न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। ईबा ने इसी खुशी में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी हम इन्हें जल्दी से अनपैक कर लेते हैं। ईबा के 7 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी में उन्होंने अमेजिंग से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उनके पहले के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो न्यू है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन, वाटरप्रूफ कंसीलर, एवरीडे लिप एंड चीक टिंट, और इसमें इतने सारे कलर शेड्स अवेलेबल है। और ये है गेट सेट ग्लो हाइलाइटर। वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन है, मैट फिनिश है, स्वेट प्रूफ है, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है, और बहुत ही अच्छी सी हमें कवरेज भी देता है। चलिए हम जल्दी से एक मेकअप लुक क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर जिसका शेड है मीडियम। अभी बारी आती है लिप एंड चीक टिंट की, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। ये ऑल टाइम पिंक है, ये भी बहुत अच्छा शेड है। फॉर एवर न्यूड है, इंट ऑफ रेड, टाइमलेस मोका, और शेयर पीच है। मैंने भी फॉर एवर न्यूड लगा लिया, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑल टाइम पिंक। बहुत ज्यादा टिंटेड है, आपको थोड़ा सा लेना है। मेकअप लुक क्रिएट कर
ले लिया ईबा के न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के साथ। मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। आपको तो पता है कि ईबा मेरा फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि उनके सारे प्रोडक्ट्स है वो हलाल सर्टिफाइड है, पीटा सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो उनके प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। और फ्रेंड्स, अभी जो मैंने हिजाब डाला हुआ है ये भी ईबा की तरफ से ही है, आपको भी मिल सकता है। आप अगर उनकी वेबसाइट पर जाकर 1200 के अबव कुछ भी परचेज करते हो तो आपको ये स्कार्फ जो है वो फ्री मिलेगा, जिसे आप एज ए हिजाब या स्कार्फ या किसी भी तरह यूज कर सकते हो। और उनकी वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे आपको इनका कॉम्बो परचेज करोगे तो आपको ये क्यूट सा पाउच फ्री मिल सकता है, ब्लेंडर फ्री मिल सकता है, और भी अमेजिंग से डिस्काउंट्स चल रहे हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है लव सबा, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, जल्दी से ईबा की वेबसाइट पे जाओ, बहुत ही अमेजिंग से ऑफर चल रहे हैं, हर ऑर्डर पे कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा है, तो आप जल्दी से जाओ। मैं चलती हूँ चैलेंज करने। कटर ऐसा हो गया दूरी सही जाए ना, हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे तो वो जल्दी से जैसे दरवाजा ओपन हुआ और अंदर आके बैठ गया। बाबू, आज तुम्हारी आंखें क्लीन होंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने कहा था, ये बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि शालो अभी आप भी तो करके दिखाओ, आप भी तो करके दिखाओ कि कैसे बनाना है। तो चलो मैं करती हूँ, प्लीज आप में से कोई नहीं हंसेगा, प्रॉमिस करो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई समझ, जब भी कोई हैम्पर आते है ना तो अम्मी को बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि अम्मी को तो सूट मिल जाते हैं, तो कह रही है खोलो खोलो। जब से परसों आया था मैंने अभी नहीं खोला, तो हम बाद में खोल लेंगे, अभी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। अब उसमें बड़ी से लगा के छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं, तो खुशी लगती है कि आधा घंटा टाइम कट जाता है। अरे तो टाइट नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं दिख तो नहीं रहा? अरे बिल्कुल भी नहीं, रेहान तो मेरी साथ ही रोक देगा। रेहान ने शाहरुख नहीं नहीं बनेगा। कोर्ट नहीं बोलती फ्रेंड्स, आप सबको पता है, और मेरी अम्मी भी गवाह है। अम्मी की कसम मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कस के बांध दिया ऐसे कि जब तुम खोलोगे पता चला मेरी आंखें अंदर ही ना चली गई हो। आज ऑडियंस दो ही है। 1 2 3 स्टार्ट। बस तो दिख रहा है। अरे ऐसे कैसे दिखेगा? अब तुम्हारा कहना भी नहीं, अम्मी कसम खाई है। ये देखो, अरे वाह, वेरी गुड। इतना बड़ा ट्री, वो ट्री नहीं था तुम्हें इतना पता है? अरे कुछ तो दिख रहा है, नहीं कुछ भी नहीं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिल भर भी नहीं। अम्मी कसम खाई, शालू भी तो कुछ ज्यादा ही अच्छा निकल गया। इतना कोई यहाँ खोल के नहीं बना सकता भैया। तुमने खोलो, अल्लाह से लग रहा है कि देखो ना जरा। लेकिन फिर भी रिजन भी नहीं देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं फ्रेंड्स, मुझे इसलिए रिजन पे शक हो रहा था कि आप ये देखो, ये मेरा जो सूरज है ये कहाँ पहाड़ के बीच में बना, और रिजन ने एग्जैक्ट बनाया था वो शालू पे दिख रहा था। ऐसा नहीं होता, तो आप बताओ मेरा कैसा बना? बहुत अच्छा बना है सच में। आप कहाँ चला है वो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। मेरी तरफ से फ्रेंड्स, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैंने बहुत ही बड़ा फ्लॉप किया है। कलम जाना ही बहुत बड़ी बात है। चलो थैंक यू अम्मी, तो अम्मी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिलेगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, आपको तसल्ली हो गई, मैंने आपके लिए किया है, अपनी इज्जत की ऐसी की तैसी करो। ये मैंने घर बनाया, ये मैंने पहाड़ बनाया, ये मैंने सूरज बनाया, ये मैंने चिड़िया उड़ाई, ये मैंने यहाँ पे साइड में घास लगाई, घास के ऊपर पेड़ बनाया, ये छोटे फ्लावर उगाए, और घास में ही नाव बैठा दी। और तुम सबको ये बताना था अम्मी कि जो कमेंट्स में सब लोग कह रहे हैं कि हमें सबा का शो जो है वो बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसे कंटिन्यू करो। और सबने बोला मैंने बहुत अच्छा बोला, रिजा रेहान का सबको बहुत अच्छा लगा, आप जिस तरह से रेहान को मोटिवेट कर रही थी वो भी अच्छा लगा। पापा कह रहे हैं, किसी की कोई कोई कह रहा है कि पापा ने पार्शियलिटी की है, और कोई कोई कह रहा है कि पानी इतना ज्यादा बना दिया कि रेहान का घर बह गया। और काफी लोग कह रहे हैं कि ऐसे एकदम खाने वाला चैलेंज मत करो, तो रिजा उसमें तुम्हारी गलती थी। आप जब भी कोई खाने का चैलेंज करेंगे तुम्हें मुंह में नहीं भरना, खाना है ठीक है, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। हाँ, ये कोई चैलेंज नहीं होता कि आप अपने मुंह में रख लो, है ना। बहुत ही मजा आया फ्रेंड्स, इंशाल्लाह हम हर संडे इस तरह का शो अपना लाने की कोशिश करेंगे। आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, हैशटैग सबा का शो डाल के अपना जो भी आप चैलेंज सजेस्ट करना चाहते हैं प्लीज हमें करिए, हम उसे करेंगे और हमें बहुत ही मजा आएगा। तुम भी करोगी? हाँ।
कुछ लोग कहते हैं कि अम्मी और खाला से भी कराओ तो आप सबसे भी कराएंगे, ठीक है। तो अम्मी एक गेम का विनर है रेहान और एक की है रिजा, पोल कराया था। तो अब ये लोग कुछ गिफ्ट मांगेंगे वो मैं दिलाऊंगी और जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दिलाओगे। मुझे एक चीज चाहिए वो आपको पता है, बताऊँ क्या? क्या? हमारे कपड़े। तो बेटी खाला से मैं क्या लूंगी वो तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, उसके लिए वक्त है, मैं बाद में लूंगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे आने वाले दिनों में कुछ 10-15 दिन बाद ऐसे कोई फंक्शन है जो हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो मैं अटेंड कर पाऊँ। तो मैं चाह रही हूँ कि जो अम्मी के कोई हैवी कपड़े रखे हैं उसे मैं रिक्रिएट करके अपना ड्रेस बनाऊँ, तो इसलिए मैं अम्मी से कपड़े मांग रही हूँ। मुझे देने में बहुत अच्छा लगा, मैं भी लूंगी। और एक चीज और, एक चीज और फ्रेंड्स देखो, मैं बिल्कुल भी पैसे नाजायज वेस्ट नहीं करती हूँ। ये जो ऊपर मैंने इयररिंग पहना हुआ है ना फ्रेंड्स, ये कम से कम मैंने 10 सालों से पहना, क्यों बेटी खाला? हाँ, जब मैं स्कूल जाती थी तब से ही है। और देखो उसका जो नग है निकल गया है एक का, तो मैं मम्मी से कह रही हूँ कि मुझे आप दिला दो कान के, मुझे डायमंड नहीं चाहिए, ऐसे नॉर्मल जो गोल्ड के आते हैं वो छोटे से दिला दो। फ्रेंड्स अभी हम जल्दी से मार्केट जा के आते हैं, आज तो पता नहीं कहाँ से सूरज निकला है कि मम्मी ने अभी ही बोल दिया कि अभी हम दिला देते हैं। सालों से मैं पहने हुई थी कि वो खुल ही नहीं रहा था तो कट कराना पड़ा। और देखिए सारे ऑप्शंस थे लेकिन मैंने व्हाइट वाले लिए। बारिश हो रही है। हम लोग फ्री हो गए बहुत जल्दी, लेकिन बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है और बिजली भी चमक रही है। बारिश में जा रहे हम लोग, भीग चुके हैं। अल्लाह बहुत तेज बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो हम लोग पूरे गीले हो गए, हम लोग ऑटो नहीं मिल रहे थे। तो अभी हम लोग घर आ गए फ्रेंड्स, तो मतलब ऐसा था कि ना ऑटो मिल रहे थे, ऐसा ही होता है जब आपको कोई चीज की जरूरत होती है उतने टाइम पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे अपने जो इयररिंग्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत लाइट वेट और छोटे से चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो नोज वाले हैं वो ले लो, तो ये काफी अच्छे हैं। दो सेट मतलब दो पेयर मुझे 2000 में मिल गए, मतलब अम्मी ने दिलाए, अम्मी की तरफ से गिफ्ट है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह भी पहन सकते हैं, तो अच्छे लग रहे हैं ना। और फ्रेंड्स एक चीज और कहती थी, जितने भी लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं, आज भी एक ज्वेलर की शॉप पे मिले, अगर आप मुझे देख रहे हो तो हेलो, उन्होंने मुझसे बोला आप सामने से बहुत प्रिटी लगते हो। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो बोलते हैं आप असलियत में और प्यारे लगते हो। अब इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या क्या समझूं, लेकिन जो भी है ठीक है, आप लोग तारीफ करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग होते हैं जो कैमरे में इतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो शायद मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ना। आज शाम की चाय जो है जो लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग बाजार चले गए थे, तो अभी मैं अपनी चाय पी रही हूँ स्टारबक्स के कप में, और यहाँ पे बेटी कल अपनी चाय पी रही है, उसने अलग से बनाई है अपनी दूध वाली ना। हमारी बहुत पानी वाली रहती तो हमने थोड़ा सा डाल लिया, ज्यादा नहीं थोड़ा। अम्मी का है, अम्मी कपड़े अपना धर रही उठा रही है। और फ्रेंड्स अभी बस चाय पीने के बाद रिजा को डांस सिखाना है क्योंकि इसके स्कूल में डांस का एग्जाम। सॉन्ग नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रही हूँ बोले चूड़िया में कर ले, बोले चूड़िया बोले कंगना, हो जाएगा इतना आसान से हो जाएगा। करो सॉन्ग करो, हमेशा बचपन से शादी वाले गाने पसंद है बेटी का। बचपन में शादियों में बहुत गई हूँ ना, बचपन में शादियों में ज्यादा नहीं गई हूँ, खानदान में ज्यादा शादी मतलब बेटी खाला नाजा खाले की शादी के टाइम में बहुत छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी और खटखट तो शादी नहीं मिली घर की। और भाई की शादी में तो इतना बहुत ज्यादा भीड़ भीड़ में ही हमारा मजा चला गया, पर पढ़े तो पढ़े कोई ध्यान दे नहीं रहा, इतनी ज्यादा फ्रेंड्स भीड़ हो गई थी। हम लोगों ने मौधा से शादी की थी तो आपको पता है इतनी लोग मिलने आ रहे थे, और ये तो मतलब ये लोग को एक जगह भर दिया है तो कार में बैठा दिया है तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इन लोगों को डांस करना है तो इन्हें स्टेज नहीं मिल रहा था। रिजा को ये बहुत अफसोस है, तो इतना सोचा था कि डांस करेंगे हम, परफॉर्मेंस पूरी देंगे, वहाँ स्टेज ही नहीं बना था और मामू लोग चालू हो गए, ये लोग बेटी का नाचना चालू हो गए। अभी मुझे कान के जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, डायमंड से ज्यादा खुशी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, यू सो मच, दे दिया हाँ तुम्हारा गिफ्ट दे दिया, अब मुझे रेहान को और रिजा को दे दिया, तुमने मुझे दे दिया, अब चल रहा है। कौन सा है? कौन सा? कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। व्लॉग देख के ना पिछला वाला, ये क्या अम्मी ये कहाँ पे कपड़े क्यों डाल दिए हैं? ये बारिश आ गई, सूखने दो ना बेटा, ऊपर का काम चल रहा है, मैंने उनको बोला है कि यहाँ की भी पीओपी कर हाँ, दें। सही, बुरा लग रहा है। अच्छा पिछले व्लॉग में ना कुछ कुछ आरोप लगे, तुम पे आरोप लगा है कि रिजा की चाउमीन नूडल्स जो थी वो ज्यादा थी। नहीं झूठ है,
बता झूठ ही है। नहीं एक ही नहीं वाला ज्यादा नहीं बेटी खाला वो नहीं एक सेकंड वो नहीं खा रही थी बेटी खाला वो मुंह चला रहा था वो पूरा भरे थी प्लेट की हमने देखी जिसे प्लेट में रखी थी ना तो थोड़ी सी हमें ज्यादा हल्का फर्क होगा लेकिन ज्यादा नहीं चालाकी कर रहे हाँ जल्दी से एक साथ खा लो जैसे सारा ने पूरी फुल्की भर ली हाँ लेकिन आगे से कभी ये करना नहीं है आप पे भी आरोप है खा लो पहले सबके पर आरोप लगे आप पे ये आरोप लगा है कि आप सिर्फ रेहान को क्यों सपोर्ट कर रही हो क्या आप लड़के को ही सपोर्ट करती हो नहीं बिल्कुल हाँ, नहीं क्या कहना चाहोगी आपने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे पूछा किसके साइड हो आपने कहा रेहान रेहान की तरह हाँ तो क्यों वही पूछना चाह रहे मतलब थोड़ा से वो तो उस टाइम तो बिल्कुल सही बोला था हाँ। मैंने लेकिन थोड़ा हाँ मैं वीडियो में पहले बोल चुकी मुझे उससे बहुत लगाव है हाँ। कि मतलब बचपन से मेरे साथ रहा जब हाँ। 3 साल का था वो तो इसमें लड़का लड़की वाली बात नहीं, 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 नहीं ये तो नहीं मेरे सब बराबर हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अम्मी लड़का लड़की में बिल्कुल भी वो नहीं करती है अम्मी मुझे भी बहुत मोहब्बत करती है रिजा को भी कितनी मोहब्बत करती है तो हाँ। बस एक रिहान छोटे से आया था तो एक होता है ना छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सा प्यार का होता है अम्मी के लिए वो है क्योंकि बहुत छोटा था वो हाँ। बिल्कुल मतलब अपनी माँ को छोड़ना बहुत मुश्किल बात थी लेकिन वो मेरे साथ रहा तो उसे थोड़ा सा लगाव ज्यादा है बाकी अम्मी ने सच बोल दिया है लेकिन सब मैं तो जिंदगी में यह कहूंगी कि अल्लाह बेटी दुनिया में नियामत है अल्लाह की हर घर में बेटी जरूर होनी चाहिए इससे ज्यादा कोई अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत बेटी है बस समझ लो इससे मैं कुछ नहीं बोल सकती बेटी है तुम पे आरोप है कि तुम्हें दिख रहा था नहीं दिख रहा था ये आरोप नहीं हो सकता लेकिन कोई बात नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले ब्लॉग में हम इससे भी दोबारा चैलेंज करा के देख लेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा माफ करेंगे हाँ। लेकिन इसने बहुत अच्छा बनाया इसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है नो डाउट जनता की राय आप सबका फैसला हमारा फैसला तो सेकंड राउंड के विनर हाँ तो दो रिजा होती है सबसे ज्यादा अम्मा की तारीफ हो रही है कि अम्मा जो पुरानी नानी दादी होती है तो मोस्टली लड़कों की तरफदारी करती है लेकिन अम्मा ने रिजा का साथ दिया है इसलिए अम्मा सब कह रहे हैं कि अम्मा की तरह होना चाहिए हमने रेहान को किया है ना पाला है ऐसे अम्मा ने बचपन में रिजा को पाला है बिल्कुल छोटे से जब यहाँ तक कि 6 महीने की थी अम्मा ने इसको बहुत समोसे खिलाए बचपन में ना बहुत बहुत अब आवा थी भाग के गया थी बाजार ले सामान और अम्मा घी अम्मा ने इसको ना घी रोटी खिलाई है इसने बहुत घी रोटी खाई आधे कप में देती थी रोटी के साथ लेकिन अब छूट गया अब नहीं खाती रिजा कौन से गाने में सिखाओ चल रहा हूँ ये कौन सा नया गाना है कौन सा ये दिल करती कर बैठा मैं कह रही हूँ उसमें कर लो आयो रे मर ढोलना पहले हम सर उसमें करे कमरिया रे उसमें कर लो लेकिन कमरिया की इसके मुझे ना वो लिरिक्स नहीं याद होती लिरिक्स से क्या मतलब ऐसी टैप डांस नहीं होगा जब आपको लिरिक्स ही नहीं याद होंगे तो कर लो दोनों हाथ मोड़ो ऐसे श्याम रंग घूमरो 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 श्याम रंग घूमरो घूमरो श्याम रंग घूमरो कौन सी बगिया था आए हो किस बगिया से जैसे उल्लू बोलो फर्स्ट आओगी रोबोट गिरा रोबोट ये देखो कट करो पहले चलो एक सेकंड तुम करके दिखा लो जरा गर्दन रिजा अंदर से मसल करो मुझसे गर्दन चलो अच्छा कोई नहीं तुम अपने हिसाब से हिला रहे गुलाब जामुन पकड़ा है ऐसे नहीं जैसे बॉल पकड़े ऐसे घूमरो घूमरो और मतलब आप किसी को चेहरे को ऐसे बोल रहे हो तो स्माइल करना ठीक है घूमरो घूमरो श्याम रंग घूमरो किस बगिया से ओ ओ तुम मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए फिर पीछे भी आना ठीक है उतारने को इसमें उसमें ऐसे फेंका
फेंकना ठीक है। बागों से फूल लाए रस्ते रस्ते सवा चलो मुझे लगता है कि ये व्लॉग अब मैं एंड कर देती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए जल्दी से अपना बता दो, जल्दी बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए यामाहा का कीबोर्ड, मतलब जो यामाहा का ही चाहिए। यामाहा, क्योंकि मुझे लोकल वाले नहीं बजाना, सीखना है तो फिर रियल से सीखना है। सीख लो। हाँ मुझे कितने का आता है? 15,000। नहीं नहीं नहीं, 9 का भी आता है, 8 का भी आता है। मैं तुम्हारे साथ बड़ा लेती हूँ। नहीं तो अपने भाई से आता है उसका नाम भी। रिजा ने तो अपना बता दिया, मुझे तो पता भी नहीं था वो कितने का आता है। लेकिन इसे काफी शौक है म्यूजिक का, और ये बहुत वक्त से बोलती रहती थी लेकिन डिसाइड नहीं कर पाती थी। लेकिन पहली बार इसने कुछ मांगा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसे देने के लिए। फिर तुम सीखोगी कैसे? YouTube से। चलो ठीक है। और तुम इसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ये जो बोल रहा है मैं नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि इसके पास है सेम चीज है। वो जो नया शाहरुख खान मिला के वो टूटा है, तो बस पहले आप उसे यूज करो, उसके बाद कोई चीज बोलो। रिजा जो है वो नई चीज मांग रही है, और तुम एक चीज जो तुम्हारे पास रखी तुम वही मांग रहे हो। तुम सोच लो और तुम बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन यूज करो तुम्हें जो तुम्हें शौक हो जिस चीज का, लेकिन सेम चीज दोबारा रखने के लिए नहीं। जा रहे ऊपर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। पार्सल कल खोलेंगे, आज नहीं खोल पाए थे, कल दिन में खोलेंगे। दूसरा फोन ले आई थी, लास्ट का पैराग्राफ बचा है वो करके फिर बस रिकॉर्ड कर देना। बस कर लो अपना खाना, खा ले। आज इतनी लेट खाना खा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, अभी रात के 1 बज रहे हैं। कर इतनी लेट अपना डिनर करता है, रिजा उसे खिला रही है। उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर रिजा को डांस सिखाऊंगी, उसके बाद मैं रिजा का वीडियो शूट करूंगी, उसके बाद ये ब्लॉग एडिट करूंगी। आप इंशाल्लाह से कल देखिएगा। इतना प्यार देने के लिए और लास्ट वाले ब्लॉग को इतना पसंद करने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए दिल से थैंक यू। कल भी बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, हमें कहीं जाना है, हमें बर्थडे में जाना है, और हम दिन भर क्या करेंगे, कल अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और कल हम अम्मी से जो कपड़े लेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। आप मेरे चैनल पर आते रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, अभी के लिए हम चलते हैं।